कोरोना काल में उमरिया पुलिस के कार्यों की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। पुलिस ने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कई ऐसे कार्य किए जिससे समाज में पुलिस की छवि को नए आयाम मिले हैं। पुलिस अधीक्षक ने जिले में रक्तांजलि अभियान और एक संकल्प बुजुर्गों के नाम योजना चालू की जिससे बुजुर्गों और बेसहारा लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कोरोना काल में उमरिया पुलिस ने बेसहारा और असहाय लोगों की भरपूर मदद की। पुलिस ने लोगों के लिए बाजार से जरूरत के सामान की व्यवस्था के साथ बीमारों के लिए दवाई लाने का काम भी किया। पुलिस कप्तान विकास कुमार शहवाल की पहल पर बेसहारा और गरीबों के लिए राशन के साथ अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था की गई। इतना ही नहीं, जरूरतमंदों को रक्त की आवश्यकता पड़ने पर पुलिस के जवान रक्तांजलि कार्यक्रम के तहत रक्तदान भी कर रहे हैं। कोरोना काल में मरीजों को खून की कमी होने पर उमरिया पुलिस अधीक्षक ने अपने पुलिस जवानों को इस क्षेत्र में उतार दिया, जिसका असर ये रहा कि हर जरूरतमंद को अब खून के लिए भटकना नहीं पड़ रहा। कोरोना की विपत्ति आने के बाद हमारे पहले जो पुलिस अधीक्षक थे उनके द्वारा ये सोचा गया और हमारे पीएचयू का भी निर्देश है कि पुलिसिंग के अलावा और भी इस तरह की गतिविधियाँ जिससे लोगों की मदद की जा सके और पुलिस की छवि में सुधार किया जा सके, उसके लिए काम करते रहना चाहिए। इस संबंध में शुरू किया गया था रक्तांजलि, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ब्लड बैंक का कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए हम लोगों ने अपने स्तर पे भी कि हम 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं, तो अपने जो कर्मचारी थे उनको हमने लिस्टिंग करी है उनके ब्लड ग्रुप के हिसाब से, और जब भी इमरजेंसी में कोई ऐसी सुविधा जो ब्लड की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं लोग मेडिकल डिपार्टमेंट, तो हम लोग हमारे स्टेनो के माध्यम से इसमें फ़ोन किया जाता है और तत्काल हमारे जो भी कर्मी उस टाइम पे नियरेस्ट जगह पे अवेलेबल होते हैं वो उस ब्लड ग्रुप का ब्लड दे सकते हैं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।